वेलकम बैक, आप देख रहे हैं डेली कुकिंग और आज बन रहा है बनाना एंड वॉलनट लोफ और साथ ही साथ बन रहे हैं शान के दही बड़े। इनकी शान के दही बड़ा मिक्स से दही बड़े बन रहे हैं, बड़े सिंपल। सिर्फ कुछ नहीं करना, पैकेट खोलना है, पानी मिलाएं, 15 मिनट के लिए छोड़ें और उसके बाद ऐसे फ्राई कर लें और ये खिड़कियां सी बन जाएंगी। अब ये बनेंगे तो आज देखेंगे कि किस तरह का बनता है। अच्छा, देखिए इसके जो बैटर था उसको मैंने आपको बताया था कि आपको डिसॉल्व करके और छोड़ दीजिएगा 15-20 मिनट के लिए। हमने ब्रेकफास्ट में इसका टाइम दे दिया था और उसके बाद हमने कढ़ाई में तेल गरम किया और उसको एक एक स्पून में डालती जा रही हूँ और इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि पैकेट में भी लिखा हुआ है और मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि जब एक दफा फ्राई हो जाएगा उसको निकालें, किसी प्लेट पे फैला दें और ठंडा कर लें। जब ठंडा कर लेंगे उसके बाद आप तेल गरम कीजिएगा, 15-20 मिनट छोड़ दीजिए ताकि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए और फिर आप ऑयल गरम करें और दोबारा से डबल फ्राइंग दें। डबल फ्राई करने के बाद आपके ये दही बड़ों के जो बड़े हैं ये तैयार हैं। आप उसको डिब्बा भर के फ्रीजर में रख दीजिए और इंस्टेंट चाहते हैं तो, और जब आपको चाहिए हो आप निकालें और हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर में सोक कर दीजिए तकरीबन आधा घंटा, 15-20 मिनट, इतना कि वो सॉफ्ट हो जाए और पानी में से दबा दबा के निकालें और फिर दही में डाल के आप बना लीजिएगा। अच्छा, तो ठीक है सर, देने के डबल फ्राई करना जरूरी है। वो अभी आपके सामने हम करेंगे किस तरह से होगा। इससे कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, क्या हाल है, कौन बात कर रहा है? मैं फसाना बात कर रही हूँ कराची से, आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ, बात कर रहे हो फरजाना? हाँ, बात करो। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे से आपसे बात करने की ख्वाहिशमंद थी, आज कॉल मिल गई है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, बहुत नाइसली बताती हैं, बहुत ही धीम अंदाज, बहुत प्यारा मुशफ़ताना अंदाज, लड़कियों को समझाने के लिए बड़ा आसान तरीका आपने अपनाया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और आज आपके प्रोग्राम में जो सवाल है उसका जवाब देना चाहूंगी। हाँ बताओ जल्दी से। वो दही, दही, ठीक है, हम मैं तुम्हारा नाम और जवाब नोट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन वीकेंड पे पता चलेगा, मीन्स आखिरी जो हमारा फ्राइडे होगा ना उस दिन हम विनर अनाउंस करेंगे। ठीक है, चले, सो हम एक कुरानदाजी करेंगे जितने विनर्स हैं और फिर उसको हम अनाउंस कर देंगे जो भी होगा विनर। सो फरजाना ने कहा है दही, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग भी बताएं हमें कि क्या इंग्रेडिएंट है जो आज लोफ में डाला है। यूजली जो केक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे हटके आज कौन सा एक और इंग्रेडिएंट डाला है वो आप हमें बताएं, और अगर आपका जवाब सही होता है तो आपका नाम चला जाएगा उस लकी ड्रॉ में जिसमें कि दो वाउचर्स मिलेंगे लोगों को, दो लकी विनर्स को। अच्छा देखिए, जब आपने दही बड़े डाले हैं तो हमेशा हम आपको यही बताते हैं कि फौरन डालते ही उसको स्टेयर मत कीजिएगा ताकि उसकी जो कोटिंग होती है वो उतर जाती है, या अगर इसमें कोटिंग का चक्कर नहीं है, बैटर है, तो बैटर आपकी चम्मच के साथ लगने लगता है। तो उसको आप डाल दीजिए, छोड़ दीजिए ताकि उसके ऊपर थोड़ी सी हार्डनेस हो जाए, फॉर्म हो जाए, फिर आप उसको स्टेयर कर लें और फिर उसको निकाल के और प्लेट पर डाल के ठंडा करना है और फिर सेकेंड फ्राइंग करनी है। और जब भी आप इसको, अगर जैसे सपोज आप फ्रीज नहीं करना चाह रहे और आपने दो फ्राइंग कर ली, तो आप उसको पानी में डाल के दही बड़े फौरन बना सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखा जाएगा, वो ये है कि गरम गरम को कभी भी पानी में नहीं डाला जाता, उससे समटाइम्स आप देखते हो कि गुठली बन जाती है। हमेशा फ्राई को रूम टेम्परेचर पे लाना लाजिम है और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब आपने उसको पानी में डालना है। और आप देखिए शान का जो दही बड़ा मसाला मैंने खोला है, इसमें हर चीज इसमें एडेड है, जीरा और सारे मुझे मसाले नजर आ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, एवरीथिंग इज एडेड, मतलब कुछ भी नहीं करना। और अच्छा, वो ठंडा करने का ये है कि वरना गुठलियां ही बन जाती हैं, अक्सर वो मिस्टेक करते हैं लोग, पानी में वो निकाला तेल से पानी में डाला तो वो अंदर से गुठली रह जाती है। इस वक्त कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं फरसुंदा बात कर रही हूँ कराची से। हाँ जी फरसुंदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत समझाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत शुक्रिया। आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए। दही है, दही, आप भी दही कह रही हैं, ठीक है जी, लेकिन ये कि खत्म हो जाती है लाइन, इसलिए मैंने जल्दी से पहले जवाब दे दिया। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक किया, ठीक है, आपका भी नाम मैंने लिख लिया। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगी फरसुंदा? अब ये जो है लोग जो इन्होंने बनाया है जी, ये मतलब इसका वेट क्या होगा अंदाजा? कितने पाउंड का होगा ये? जी जी, कितने पाउंड का होगा? 2 pounds का। हाँ, 2 pounds का जी। अच्छा, और ये मैं बहुत परेशान रहती थी कि ये दही बड़े की ये किस तरह सेव करें,
मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी कि इन्होंने आपने जो है वो इसको गाइड कर दिया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल आराम से आप कर सकती हैं जी। हाँ और बहुत अच्छा स्टाइल है इनका, बिल्कुल बहनों जैसी लग रही है मुझे, है ना। घर में सीख रहे हैं हम जैसे बैठे। हाँ जैसे घर में सीख रहे हैं भाई। ये स्टाइल इसलिए है कि ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं लड़कियों को क्लासेस जब कराती थी, सिखाती थी, तो वो मेरे सामने बैठी होती थी और मुझे यही लगता था कि अभी भी मैं क्लास कर रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। तो बिल्कुल वही तरीका है कि अच्छी तरह आपको समझ में आ गया। बस वहाँ ये होता था फर्क कि जब मैं सवाल करती थी जवाब मिल जाता था, अब ये है कि मैं सवाल करके फिर आगे बढ़ जाती हूँ, बस ये फर्क होता है। बाकी तो वही मेरा बिल्कुल वही स्टाइल है, वही मेरा नेचर है बिल्कुल। और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सवाल का जवाब भी दें जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉलर है नहीं। अच्छा देखिए, अब ये दही बड़े मैंने निकाल लिए, इसको निकाल के मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे छोड़ दिया ताकि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। दही हमें चाहिए तकरीबन, आप 3 पाव दही ले लीजिए। और दही के अंदर हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर और आधा चाय का चम्मच नमक। ये दोनों चीजें डालने के बाद दही को अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है ताकि स्मूथ हो जाए, क्रीमी हो जाए और ये दही तैयार हो जाएगा हमारा। और फिर हम उसमें इसको डालेंगे। इमली की चटनी आप ले लीजिए और शान का दही बड़ा मसाला। ये देखिए, एक तो चाट मसाला है शान का, एक फ्रूट मसाला है, फ्रूट चाट मसाला, और एक शान का स्पेशल दही बड़ा चाट मसाला है। तो ये आप इस पे डालिएगा। ये देखिए मैंने निकाला है और इतनी जबरदस्त यहाँ मसाले में से खुशबू आ रही है, और वो खुशबू आ रही है कि जो हम दही बड़े पे चाट मसाला डालते हैं उसकी वो वाली खुशबू आ रही है। और आपको ये तो पता है कि शान को सुपीरियर टेस्ट अवार्ड मिला है ITQI की तरफ से, और जो ब्राजील में है, और एक मसाले पे नहीं 14 मसालों पे, और पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसको ये, जिसने ये अवार्ड जीता है, जिसको ये अवार्ड मिला है। तो हमारे लिए कितनी प्राउड होने की बात है। और वाकई इनके मसाले बहुत जबरदस्त हैं, पैकिंग शानदार है, और वी लॉक सिस्टम की वजह से हर मसाला इतना फ्रेश रहता है। और शान जो है वो पायनियर है ब्लेंडिंग ऑफ मसाला, 1986 से हमारे साथ साथ हैं। इनके मसाले वाकई बेहद साफ सुथरे, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी बिल्कुल जबरदस्त वेल ब्लेंडिंग है, और पूरा जो इसमें मटेरियल यूज होता है वो बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज होता है, और बहुत जबरदस्त है ये इसका मसाला। जो मैंने दही बड़ा अभी चाट मसाला दिखाया, और ये इंस्टेंट दही बड़ा मिक्स आपको मिल जाता है। पैकेट ये है 150 ग्राम के पैकेट पे, बस इसको घोला और रखा 15 मिनट के लिए, डीप फ्राई किया, ठंडा करेंगे, अगेन फ्राई करेंगे, फिर ठंडा करेंगे और फिर सोक कर देंगे ल्यूक वार्म वाटर के अंदर, पानी में कुछ भी नहीं डलेगा। ठीक है, तो इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जब ये बना लें तो आप फ्रिज में रख दें, इसको बंद करके जब बनाना हो निकालें और उसी वक्त आप बना सकते हैं। इस वक्त एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? महविश बात कर रही हूँ लाहौर से। कौन? महविश लाहौर। महविश, महविश क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। हाँ जी, मुझे आंसर लेना था। हाँ बताओ। हाँ जी, दही। दही? सब ने दही देना है आंसर? हाँ अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। और कुछ कहना चाहोगी? ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छा तरीका बताने का। मुझे पूछना था 4 ounce butter कितना होगा? 4 ounce butter इज 100 ग्राम। 100 ग्राम, थैंक यू। ठीक है, चलो, ओके ओके, थैंक यू सो मच महवेश। ठीक है, दही ले लिया मैंने। दही में मैंने 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर डाला, 1/2 teaspoon सॉल्ट डाला, और विस्क से बस इतना क्रीमी कर लिया कि वो स्मूथ हो गया। दही ये भी दही हो गया, और हम दोबारा से ऑयल मैंने गरम करने के लिए रखा है। ऑयल गरम हो जाता है तो इसकी हम सेकंड फ्राइंग कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड फ्राइंग करने के बाद फिर ठंडा करके हमको सोक करना होगा। तो आपके जल्दी से फटाफट दही बड़े बन जाएंगे, इतना आसान है। देखिए, आपको दाल वाल को कुछ भी नहीं भिगोना, पैकेट लाइए और फौरन आप फ्राई कर लीजिए पकौड़ों की तरह से बताते हैं। और ये देखिए रमजान की जो इनकी रेंज है, जिसमें पकौड़ा मिक्स है, दही बड़े मिक्स हैं, ये आप बिल्कुल ट्राई करें। बिकॉज रमजान में आपका ज्यादा टाइम ये नहीं कि आप मसाले ला रहे हैं और पीस रहे हैं और भिगो रहे हैं, फटाफट पैकेट खोला और आपने कर लिया, तो आपको इबादत का भी तो टाइम मिल जाएगा, सारा वक्त किचन में भी नहीं लगी है। ये कैसा मौका है, इससे फायदा उठाइए, इबादत भी कीजिए साथ साथ, पकाइए जरूर अच्छा। बिल्कुल, अब वो शान ने मसला हल कर दिया।